आज मैं अभी भी एक गेम खेल रहा था और गेम खेलते समय मुझे याद आया कि आज ना मुझे अब फ्रैंकलिन के घर जाना है क्योंकि यार उसने एक न्यू हाउस लिया है। तो अभी ना यार चलते हैं, तो उससे पहले मैं अपना पीसी को बंद कर देता हूँ। और एक सेकेंड यार, इधर फ्रैंकलिन का भी फोन आ गया है, तो जल्दी से उठाता हूँ इसका फोन। अरे हाँ फ्रैंकलिन, क्या हुआ यार, तू अभी तक आया क्यों नहीं मेरे घर पे यार, जल्दी आ जा। अरे हाँ हाँ मैं आ जाता हूँ अभी, एक सेकंड रुक। तो चलो यार जल्दी से हम लोग यार चलते हैं क्योंकि यार फ्रैंकलिन हमारा ना वेट कर रहा है। तो एसी वगैरह भी मैं बंद कर देता हूँ एक बार और जल्दी से नीचे चल। जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ ना कि एक बार कपड़े चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यार उधर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे ना, इसलिए जल्दी से अभी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्या पहनूं यार, मैं सोच रहा हूँ ना कि शर्ट ही पहन लेते हैं। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक कलर की शर्ट ये वाली पहन के चलता हूँ क्योंकि यार ये वाली शर्ट ना काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे यार हम लोग कुछ ज्यादा ही लेट हो चुके हैं, तो अभी जल्दी से चलते हैं। तो अभी यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कार से चलता हूँ क्योंकि यार मेरे को बाइक से जाना यार अच्छा नहीं लग रहा अभी। तो यार अभी कार से चलता हूँ, जल्दी से चल। लेकिन यार जाने से पहले मैं अपने टॉमी को बोल लेता हूँ कि वो यार एक बार घर को देख लेगा कि कोई अंदर चोर वोर ना आ जाए। अरे टॉमी यार सुन यार, मैं जा रहा हूँ यार अपने दोस्त फ्रैंकलिन के घर। और वैसे यार तू ना एकदम घर का ध्यान व्यान रखियो, किसी को आने मत दियो। जी मालिक, मैं घर का ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करो बाऊ बाऊ। तो अभी मैंने अपने टॉमी को भी समझा दिया है और इसलिए जल्दी से चलते हैं। तो यार वैसे थार यार काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और मेरे को भाई ये थार यार काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है। और क्योंकि यार ऊपर से एकदम खुला खुला सा है ना, तो यार मेरे को थार इसलिए पसंद भी है। और वैसे यार मेरे को अभी इधर से जाना है। और वैसे एक सेकंड यार, इधर इतना सारा ट्रैफिक कैसे हो गया आज? वैसे तो होता नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया, पर अभी मैं जाऊंगा कैसे, शायद एक बार उधर से जाके देखते हैं। पर यार इधर तो हर जगह ही भाई कार ही वगैरह रखी हुई है और इधर थोड़ी सी बीच में जगह है, पर मेरे को लगता नहीं कि मेरी कार इधर से निकलेगी। तो अभी ना मेरे को जाम वगैरह को हटाना पड़ेगा तभी मैं जा पाऊंगा। वैसे काफी ज्यादा लेट भी हो चुका हूँ मैं। मोबाइल में ना मैं एक चीट कोड डाल लेता हूँ #999 का, इससे यार जितनी भी कार है ना सारी ब्लास्ट हो जाएगी। वैसे यार देखो सारी कार ब्लास्ट भी हो चुकी है, पर एक सेकंड ब्लास्ट करने के कारण पुलिस वगैरह भी आ गई है। पर यार जल्दी जल्दी से मैं फिर से चीट कोड डाल लेता हूँ। पर एक सेकंड ये क्या हो गया यार, मेरी कार ही ब्लास्ट हो गई इस चीट कोड से, और या फिर मुझे लग रहा है कि भाई पुलिस वालों ने ब्लास्ट कर दी, वरना इतनी देर से तो मेरी कार ब्लास्ट हो नहीं रही थी। पर अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्योंकि अब पुलिस वाले यार मेरे को मारे जा रहे हैं और इधर कोई कार वगैरह भी है नहीं। अरे यार अच्छी बात यह है कि भाई ये पुलिस की कार एकदम सही टाइम में आई है, तो अभी यही वाली पुलिस की कार को लेके चलते हैं, वरना यार पुलिस वाले मुझे मार मार के भाई मार ही देंगे आज। तो अभी जल्दी से ये वाली कार को लेके चलते हैं। और यार अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि यार मेरे को फ्रैंकलिन को भी कुछ देना पड़ेगा, तो मैं यार सोच रहा हूँ कि एक नई कार भी ले लेते हैं जिससे कि यार मैं पहुँच भी जाऊँगा और फ्रैंकलिन को गिफ्ट भी दे दूंगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं कार के शोरूम और उसके लिए एक अच्छी कार लेते हैं। वैसे यार मेरे पीछे काफी ज्यादा पुलिस की कार भी आ रही है क्योंकि यार मैंने पुलिस की कार जो चोरी की है। तो वैसे अभी जल्दी से चलते हैं। और यार भाई फ्रैंकलिन के लिए यार एक कार भी लेनी है। और वैसे मुझे लग रहा है कि बस हम लोग शोरूम पहुंचने वाले हैं और वो रहा सामने शोरूम। तो यार अभी हम लोग पहुंच भी चुके हैं शोरूम पे, जल्दी से यार अपनी कार को इधर रखते हैं पुलिस की कार को और जल्दी से यार अंदर जाके एक फ्रैंकलिन के लिए अच्छी कार ले लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक सुपर कार ही ले लूँ जिससे यार मैं जल्दी पहुंच भी जाऊंगा और फ्रैंकलिन को गिफ्ट भी अच्छी लगी। वैसे यार पुलिस वाले मुझे मार क्यों रहे यार, तुम लोग हटो ना जल्दी से इधर से। और वैसे ये रही वो बाइक यार, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर यार मैं सोच रहा हूँ बाइक से ना यार फ्रैंकलिन को देना अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं एक कार ही ले लेता हूँ। तो अभी मैं ना कार के शोरूम में आ चुका हूँ। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ कि ना फ्रैंकलिन के लिए एक बाइक ले लेते हैं क्योंकि यार फ्रैंकलिन को बाइक भी अच्छी लगती है और अभी हम लोग अगर बाइक लेंगे ना तो हम लोग जल्दी पहुँच भी जाएंगे। तो यार मैं सोच रहा हूँ यही वाली बाइक ले लेते हैं। वैसे यार काफ़ी ज़्यादा पुलिस आ चुकी है, मेरे को लग रहा है बाइक वगैरह लेके मेरे को जल्दी से निकलना पड़ेगा, वरना यार ये पुलिस यार फ्रैंकलिन के घर पे भी पहुंच जाएगी और अगर गलती से यार फ्रैंकलिन के घर पे पहुंच गई ना तो यार फ्रैंकलिन को भी अरेस्ट कर सकती है। तो यार ये सब पुलिस से तो मेरे को बचना पड़ेगा, तो जल्दी से अपनी बाइक लेते हैं और इधर से निकलते हैं। अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि ना इस बाइक को यार मॉडिफाई करवाते हैं क्योंकि यार फ्रैंकलिन को ना ब्लैक कलर की बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है, वैसे रेड कलर की बाइक तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मॉडिफाई करवाने हम लोग जा ही रहे, तो इसका पेंट के साथ साथ ना इसका टायर वगैरह भी थोड़ा अच्छा लगा देंगे जिससे फ्रैंकलिन को लगे कि भाई मैं क्या गिफ्ट लाया हूँ और मेरे को सबसे अच्छी गिफ्ट भी देनी है क्योंकि वो मेरा एक काफी ज्यादा अच्छा दोस्त भी है। तो अभी जल्दी से लेके चलते अपनी बाइक को मॉडिफाई वगैरह करवा लेते हैं। तो सबसे पहले बाइक में हम लोग पेंट वगैरह चेंज करवाएंगे, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है हमारी हायाबुसा और ब्लैक ही अच्छा। बाइक के व्हील वगैरह भी चेंज करवाने हैं, लेकिन उससे पहले एक स्मोक कलर भी हम लोग ने चूज कर लिया है ब्लू कलर का। और ग्लास कलर यार मैं सोच रहा हूँ ब्लैक रखूँ व्हाइट रखूँ, चलो यही रहने देते हैं। और अभी यार टायर वगैरह हम लोग चेंज करवा लेते हैं। टायर यार मेरे को देखो यही वाला अच्छा लग रहा है, पर यार मैं सोच रहा हूँ टायर का जो साइज़ है ना वो सामने का थोड़ा सा
इसको हल्का कर देता हूँ, पीछे का ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा करता हूँ जिससे कि हमारी बाइक यार एकदम मस्त लगे। जैसे ही अपनी बाइक को मॉडिफाई करवा के निकला ना तो यार पीछे यार हमारे पुलिस वगैरह भी आ चुकी है, मेरे को लग रहा है कि ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे और अभी पहुँच भी चुके हैं। वैसे यार जो भी बोले बाइक को मॉडिफाई करवाने के बाद ना बाइक तो यार एकदम मस्त सी लग रही है, इसके अंदर जो हमने बूस्ट वगैरह लगाया ना उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमारी बाइक। पर अब यार पुलिस वाले को मैं छोड़ने नहीं वाला यार, ये लोग ना यार हर जगह पहुंच जा रहे हैं तो इसको हम लोग यार ब्लास्ट करने वाले। ये देखो यार ये गया पुलिस वाला, इसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये देखो ये भी मर गया और ये पुलिस वगैरह की कार भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये वाली सामने वाली कार आ रही है, इसको भी हमने ब्लास्ट कर दी है और ये लास्ट कार बची है इसको भी ब्लास्ट करते हैं और जल्दी से पकड़ते हैं हमारी बाइक और निकलते हैं क्योंकि अब फ्रैंकलिन के घर पर पहुँचना है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और पुलिस वाले तो यार आते ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी बाइक में बूस्टर है उसकी मदद से हम लोग अभी जल्दी से भगाते अपनी बाइक को चल रहे। ऊपर से मैं अपनी बाइक में स्टंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रहा हूँ। पर एक सेकेंड यार मुझे ना इधर किसी का फ़ोन आ रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ये फ्रैंकलिन का ही फ़ोन है, वो पूछ रहा होगा कि मैं अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। तो यार एक काम करता हूँ ना, मैं साइड में जाके फ़ोन उठाता हूँ वरना यार पुलिस वगैरह मेरे को पकड़ लेगी। तो अभी जल्दी से इधर फ़ोन उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या फ्रैंकलिन है, बोल तूने मुझे फ़ोन क्यों किया। यार सुन ना, मेरे घर अभी तू मत आ क्योंकि यार जो मैंने अभी अपना घर लिया था ना वो मैंने अभी सेल कर दिया क्योंकि उस घर पर ना बहुत सारे भूत थे। बात है तो अच्छा हुआ कि यार वो तूने वो अपना घर को सेल कर दिया क्योंकि यार भूत वाले घर पे तो कोई भी नहीं रहना चाहता। पर कोई बात नहीं यार, तेरे को नया घर बहुत जल्दी मिल। तो अभी ना फ्रैंकलिन का फ़ोन आया था और उसने मुझे बताया कि उसके घर पे ना भूत थे इसलिए उसने वो घर को सेल कर दिया है। तो अभी यार मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर ही चलते हैं और ये वाली बाइक मैं उसको बाद में गिफ्ट कर दूँ। और यार तुम लोग तब तक यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।